चाहिए छह गेंदों में पहला मैच गोवा निको फिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक रोमांचक मोड पर चेन्नई राइनोज केवल 11 रन दूर है जीत से, लेकिन मुंबई हीरोज के पास मौका है। अगर एक आध विकेट निकाल देते हैं तो मुश्किल में डाल सकते हैं यहां पर चेन्नई की टीम को। जी हां, शब्बीर के हाथ में गेंद और आफ्ताब बात करते हुए फील्ड को सजाते हुए कोशिश यही होगी कि एक विकेट कहीं से मिल जाए। निखिल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सलमान खान बाउंड्री रोप के पास हैं, रितेश देशमुख वहां पर पीछे, वीर मराठी के कप्तान हैं और उप कप्तान महेश मांजरेकर, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बाउंड्री रोप की ओर मुझे लगता है आधा सपोर्ट स्टाफ जो है वो पहुंचा हुआ है वहां पर। आप देखिए खेमा जो है मुंबई हीरोज की टीम का और उनके वेल विशर्स जो है, सपोर्टर्स जो है, जो इस समय डगआउट के पास हैं, वो सब बाउंड्री रोप के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिए 11 रन 6 गेंदे कप्तान विशाल चिन्हे टीम के, एक तरीके से पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं जिस तरीके से पिछले तीन ओवर घटे हैं। कप्तान सुनील शेट्टी बाहर, पहली गेंद शब्बीर की और जोरदार शॉट, गेंद हवा में और सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल का पहला गेंद शरण द्वारा और निराशा यहां पे झलकती हुई सभी मुंबई टीम के समर्थकों के चेहरों पे। एक बार फिर जबरदस्त स्ट्रोक शरण का, डाउन द ग्राउंड ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक, बट बॉडी बैलेंस इनका इतना बेहतरीन है निखिल कि ऐसा लगता ही नहीं कि किसी मुश्किल में है स्ट्रोक लगाते हुए। और सलमान खान अच्छे स्ट्रोक का लुत्फ उठाते हुए हैरान चकित लग रहे हुए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कमबैक चेन्नई टीम द्वारा। शरण ने इस मैच का रुख बदल दिया और एक बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास और मौका था वो भी गवा दिया। कैच का मौका, रन आउट करने का मौका, दोनों ही मौके गवाती हुई मुंबई हीरोज की टीम, प्रेशर साफ झलकता हुआ। 5 रन चाहिए 4 गेंदों में, डॉट डिलीवरी जरूर, एक ही फायदे की बात इस सब में ये रही कि रन नहीं मिला चेन्नई राइनोस को इस गेंद पर। शरण की शायद कोशिश ये है कि स्टाइल में ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी, अगर वो ये 4 गेंदे खेल लेते हैं जिस तरीके से बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये मैच जो है आखिरी गेंद तक नहीं जाएगा रमन। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन दिलचस्प बात ये कि दोनों ही टीमों के कप्तान इस समय डगआउट में बैठे हुए हैं। मिड ऑन की ओर पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरा रन लेना चाहते शरण, लेकिन मना किया। बहुत ही रोमांचक मैच ये बनता हुआ, 3 गेंदे 4 रन 3 गेंदे। जी हाँ, अगर ये एक डॉट बॉल होती है या विकेट गिरती है तो शरण को स्ट्राइक नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और वही एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने मैच का बिल्कुल सिंगल हैंडेडली रुख बदल दिया। तारीफ एक चीज की जरूर करनी होगी मुंबई हीरोज की, बाउंड्री राइडर्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर उनके बेस्ट फील्डर्स वरुण बडोला और दूसरे छोर पर राजा भिरवानी, तो सोच सही है टीम के कप्तान आफ्ताब शिरदसानी की, और आई थिंक जो कोचिंग करी है दिनेश लाड ने उसकी भी तारीफ करनी होगी। जी हाँ, बहुत ही कंपेटिटिव एज नजर आता हुआ गोवा निकोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। बहुत ही रोमांचक मैच चेन्नई और मुंबई हीरोज के बीच में। और इस मैच के अपडेट्स जो लोग बिग एफएम पर सुन रहे होंगे, जो कि भारत का नंबर एक रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, कुछ वीडियो पार्टनर है वो भी लुत्फ उठा रहे होंगे, लेकिन यहां पर कैच छूट गया, एक और मौका गवाती हुई मुंबई हीरोज की टीम और रनआउट का मौका भी गवाया। ओहो, कितने चांसेस इस ओवर में मिले हैं मुंबई हीरोज को विकेट चटकाने के, लेकिन सभी हाथ से जैसे मानो रेत की तरह फिसल गए हों। इस बारी तो रमन दो खिलाड़ियों के बीच में बॉल गिरी, उनको मालूम ही नहीं था कि कौन कैच पकड़ने जा रहा है, कॉल ही नहीं किया किसी ने। सुनील शेट्टी डगआउट में निराश जरूर हो गए होंगे। और अजीबोगरीब बात यह कि उसके बाद रनआउट का मौका था, दोनों बल्लेबाज लगभग हाथ मिलाने की दूरी पर थे मिड पिच पर, लेकिन थ्रो खराब आया और रनआउट का मौका भी नहीं बना।
तीन रन दो गेंदे, बैट का भीतरी किनारा, चार रन। और इसी के साथ चेन्नई की टीम ये मैच जीती हुई 6 विकेट से। ये देखिए किस तरीके से जीत को सेलिब्रेट करते हुए। 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पे शरण द्वारा। सलमान खान के चेहरे पे मुस्कान ज़रूर है, लेकिन मन ही मन थोड़े से निराश ज़रूर हो रहे होंगे कि बहुत बढ़िया मौका था ये मैच जीतने के लिए। अविश्वास की जैसे मानो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे बनी हुई है, लेकिन अविश्वसनीय मुस्कुराहट है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। चेन्नई राइनोज की टीम मानो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे टाइटल जीत लिया हो, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जैसे इस मैच से बाहर हो। चेन्नई की टीम ने क्रिकेट खेला है, मुझे लगता है कि अगले मैच में उनको खुद उतरना चाहिए मैदान में। देखी जाएगी मुंबई हीरोज की टीम की ओर से बल्लेबाजी करने आएंगे और गेंदबाजी करने आएंगे। पर एक जबरदस्त जीत यहाँ पर चेन्नई राइनोज की, और हम नजरें जरूर बनाए हुए हैं अभी चेन्नई राइनोज की टीम के ऊपर जिन्होंने हराया मुंबई हीरोज को। लेकिन अभी भी एक मैच का और खेला जाना बाकी आज के दिन में, और वो मैच ऑफकोर्स है भोजपुरी दबंग्स और वीर मराठी के बीच।